हेलो स्टूडेंट, आई अजीम आलम खान, वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए। खासकर हम लोग आज गेट का जो पूरा सिलेबस पैटर्न है और मार्किंग किस तरीके से हो रही है आजकल, उस पर डिस्कस करेंगे कि गेट के लिए इफेक्टिवली किस तरीके से तैयारी की जाए, इफेक्टिवली मार्क्स कैसे गेन किए जाए। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स मेहनत काफ़ी करते हैं और लास्ट में जाकर के कहते हैं कि रिजल्ट्स जो है उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग, यानी जो उन्होंने उम्मीद की थी उसके अकॉर्डिंग नहीं आया। उसके पीछे वजह ये नहीं रही होती है कि उन्होंने रियलिटी में मेहनत नहीं की होती है, मेहनत उन्होंने वाकई की होती है, लेकिन वजह रही होती है एक प्रॉपर वे की, किस तरीके से तैयारी की जाए। क्योंकि वो कुछ गलतियां करते हैं, उन्हीं गलतियों को लेकर के मैं यहाँ पर आज आया हूँ। आप लोग इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफ़ी, जो लोग गेट एक बार या दो बार दे चुके हैं उनको अपना स्कोर इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी, और जो लोग पहली बार गेट दे रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। कायदे से सुनिए, समझिएगा इस चीज़ को। इस वीडियो में दो तरीके के, दो वीडियो को दो पार्टों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट होगा वो मैं इस चीज पर फोकस करूंगा कि कैसे आप इजीली गेट को जस्ट क्वालिफाई कर जाएं। मतलब कि आप अगर गेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे आसानी से आप एकदम से मैजिकली गेट को क्वालिफाई कर जाएं। पहला पार्ट इस वीडियो का इस तरीके से कंसंट्रेटेड रहेगा। सेकंड पार्ट में इस वीडियो को में लेटर हाफ में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्कोर को इम्प्रूव किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आजकल का पेपर पैटर्न किस तरीके से आ रहा है मैकेनिकल का। खासकर आप लोग जैसे जानते हैं कि पेपर जो है उसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स में नियर अबाउट आपके 30 क्वेश्चन के आसपास आपका मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड आता है। 30 क्वेश्चन के आसपास आपका मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड आता है, और रेस्ट जो होता है 70 क्वेश्चन वो आपका टेक्निकल रहता है। तो एक चीज देखिए, यहां पर ही समझ लीजिए कि 30% तो आप लोग सब तैयारी करेंगे। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट जो हाफ है वो है जस्ट क्वालिफाई कैसे करें। 30% आप जो 30 में, फिर इसमें आपका रहता है करीब करीब 15 मार्क्स का मैथ और 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड। उसके बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, जैसे यहां भी लिखा हुआ है वो 70%, जो 70 जो नंबर का है टेक्निकल, उसको कैसे स्मार्टली तैयार किया जाए कि हम गेट को इजीली क्वालिफाई कर पाए, या जो लोग अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो अच्छा स्कोर ला पाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि पेपर जो टेक्निकल पोर्शन है वो किस तरीके का आ रहा है। सबसे पहले हम 70 नंबर पर फोकस करेंगे कि देखिए, टेक्निकल जो पोर्शन है वो हर, देखिए ये मैंने लास्ट ईयर का जो पेपर है 2020 में जो पेपर हुआ है उसका पैटर्न है, और कमोबेश कुछ ऐसा ही पैटर्न लास्ट की जो ईयर्स में आप लोग देखेंगे बिल्कुल सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं लिखने की कोशिश की है। देखेंगे आप लास्ट ईयर जो मॉर्निंग शिफ्ट में, दो शिफ्ट में पेपर हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स 8 नंबर की आई थी, थर्मोडायनामिक्स 13 मार्क्स की थी। थर्मोडायनामिक्स सब कुछ था है यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग, आरएसी भी है उसमें, आई सीनियर का भी 1-2 क्वेश्चन जैसे आता है कभी कभी, उसमें पावर सिस्टम की जो साइकिल्स हैं उनके क्वेश्चन भी हैं, रेफ्रिजरेशन के क्वेश्चन भी इसमें ही हैं। फिर है हीट एंड मास ट्रांसफर 4 नंबर का है, थ्योरी ऑफ मशीन 8 नंबर की, मशीन डिजाइन 7 मार्क्स का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 5 मार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग 16 मार्क्स, बहुत ज्यादा नंबर की आ रही है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 7 मार्क्स, मैकेनिक्स 3 मार्क्स, मैथमेटिक्स जो लास्ट ईयर जो मॉर्निंग शिफ्ट में आया था वो 14 मार्क्स का था। वैसे कहा जाता है कि 15 मार्क्स का ही होता है, कभी कभी क्या होता है कि मैंने, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इंजीनियरिंग साइंस के भी कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी कभी मैथ में ट्रीट कर लेते हैं, हो सकता है थ्योरी ऑफ मशीन में कोई इक्वेशन से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन रहा हो या और कहीं रहा हो, जो मैं गलती से इधर एडिट कर लिया हूँ, 1 नंबर का वो फर्क है। मैथमेटिक्स 14 मार्क्स का और एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का। एप्टीट्यूड में क्या होता है, जनरली 5 नंबर की इंग्लिश होती है और 10 नंबर का आपका जो है वो जो एप्ट होता है बेसिकली वो होता है, 5 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर का एप्ट।
फिर देखिए कमोबेश से कमोबेश सेम पैटर्न आफ्टरनून जो शिफ्ट थी उसमें हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स 17 की, थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्टली 13 मार्क्स की आई है, हीट एंड मास ट्रांसफर यहां 4 मार्क्स का था, यहां पे 5 मार्क्स का हो गया। थ्योरी ऑफ मशीन एग्जैक्टली सेम मार्क्स 8 एंड 8। उसके बाद मशीन डिजाइन यहां पर 7 मार्क्स की थी, यहां पर 5 नंबर की आई है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यहां पर 5 मार्क्स की थी, यहां 6 मार्क्स की है, कमोबेश वही पैटर्न। मैन्युफैक्चरिंग यहां अगेन 17 मार्क्स की आई है, बहुत अच्छा पोर्शन है मैन्युफैक्चरिंग का। इंडस्ट्रियलिज्म यहां पर 7 की, यहां 6 की, यहां मैकेनिक्स 3 की, यहां मैकेनिक्स 5 की। अब देखिए अक्सर स्टूडेंट्स अगर इसको मैं चार्ट को यूं ही छोड़ जाऊं तो देखते ही वो जो खासकर जो फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे स्टूडेंट उनके जहन में जाएगी कि ओ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा मार्क्स ही आ रही है, क्यों ना हम इसके लिए प्रिपेयर करें, 16 मार्क्स को हम यहीं से ले आएंगे। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे जो 30 मार्क्स का जो मैथमेटिक्स और एप्ट आ रहा है इसमें से हम कुछ भी नहीं तैयारी करेंगे, 2-3 साल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड तो आपका एप्टीट्यूड है, इंजीनियर्स हैं हम तो एप्टीट्यूड कर ही देंगे 10 नंबर का, और 10 नंबर का मैथ 20 यहां से लेंगे, 16 नंबर की यहां से करके, और फट से हम जनरल कैटेगरी की अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो वो 34 मार्क्स थी जनरल की कट ऑफ, और साहब आपकी करीब 30 मार्क्स से आसपास अगर कट ऑफ की बात करें 30.6 ओबीसी की रही थी, और आपकी 26.5 जो रही थी वो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की थी, ये जनरल कैटेगरी कट ऑफ थी। हम जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ओबीसी एसटी ऐसी तो फिर आप अपने आप खुद ही निकल जाएगा, तो कुछ इस तरीके से सोचेंगे। बहुत बड़ी लार्जर स्केल पर मिस्टेक है, सबसे बड़ी गलती करेंगे वो लोग जो जस्ट क्वालिफाई करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर देंगे, नो बिग मिस्टेक। देखिए मैंने इस पेपर को देखिए मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, कुछ अजीब तरीके से आप देखेंगे, देखिए ऊपर मैंने लिखा है ए एंड ई, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन। इसका जो क्वेश्चंस का जो लेवल है हर साल कमोबेश इजी और एवरेज लेवल का होता है। हमने क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग, एवरेज एक इजी है, एवरेज है और डिफिकल्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, इनके क्वेश्चन कमोबेश एवरेज या इजी ही आते रहे हैं पिछले ये 4 साल का क्वेश्चन पैटर्न है। खासकर जब से ये पेपर ऑनलाइन होना शुरू हुआ है 2015 से, तब से बिल्कुल यही पैटर्न आ रहा है, काफी इजी कर दिया है पेपर का लेवल। 2013 में काफी अच्छा पेपर का लेवल था, 14 से इसको इजी कर दिया है। तो यही पैटर्न है फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन का जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इजी या एवरेज रहता है। कभी कभी कोई एक क्वेश्चन इनमें से किसी का 1-2 क्वेश्चन कभी कभी डिफिकल्ट रहा है, अदरवाइज लास्ट ईयर की अगर बात करेंगे तो इजी और एवरेज क्वेश्चन रहे, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट कैटेगरी का अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं कहूंगा कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट कैटेगरी का रहा होगा, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट कैटेगरी का नहीं रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन शायद मॉर्निंग में या इवनिंग शिफ्ट में, और एक क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का, वो यो तो क्वेश्चन मामूली सा एक कोई बेंच मार्क तो है नहीं, अकॉर्डिंग टू मी वो इजी है, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है वो टफ भी हो डिफिकल्ट भी हो। बाय द वे ये जो पैटर्न है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, इसके क्वेश्चन ऑलवेज डिफिकल्ट पैटर्न के पूछे गए हैं। ज्यादा कह सकते हैं अगर इजी भी रहा होगा तो एवरेज रहा होगा, इजी नहीं रहा कोई भी क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल के रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग के खासकर क्वेश्चंस की अगर आप बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चंस का अक्सर पैटर्न ये रहा है, जैसे 16 में ऐसे क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहे हैं और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहे हैं, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन और आते हैं फिर इसमें बहुत ज्यादा, तो उस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, 2 नंबर का क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना, बड़ा मुश्किल होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आप सिंपल पढ़ते चले गए तो हो सकता है 1-2 कर भी जाए, तो इसीलिए देखिए अगर आप ऊपर इजी वाले पैटर्न के इन सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे तो देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में 40 मार्क्स के आए हैं ये आपके 5 सब्जेक्ट, और अगर इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो इवनिंग शिफ्ट में ये 5 सब्जेक्ट आपके 38 मार्क्स के आए हैं। यानी जो लोग सिर्फ तैयारी कर रहे हैं टू क्वालिफाई द गेट, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी की है कि दे शुड प्रिपेयर फॉर दीज सब्जेक्ट इन फर्स्ट इंस्टेंट, पहली बार में वो इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करें। क्योंकि देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स,
थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, थ्योरी मशीन, मशीन डिजाइन, ये चारों पांचों सब्जेक्ट आप वेरी फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन सोम पहले फर्स्ट ईयर से तो पढ़ते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है इस क्वेश्चंस करना है इसका, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। मैन्युफैक्चरिंग आप अक्सर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से पढ़ना शुरू करते हैं, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी थ्योरी बेस्ड, उसको आप नॉर्मल रीड करा के भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टाइम देने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, अगर आप इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको सभी पढ़ना ही है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग देखने में बड़ी आसान लगती है, हैवी आसान, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, अक्सर नहीं कर पाते जो जस्ट क्वालिफाई करने के लिए कर रहे हैं। मैकेनिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्टी कैटेगरी के क्वेश्चन हैं इसके भी। तो जो लोग जस्ट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं गेट, उनसे मैं ये कहूंगा कि देखिए मैथमेटिक्स जैसे और एप्टीट्यूड आपको मैंने जैसे डिवाइड किया कि एप्टीट्यूड में 10 नंबर का जो आता है वो एप्ट आता है, 5 नंबर की इंग्लिश आती है। देखिए इंग्लिश की कोई तैयारी नहीं करेंगे आप, आपसे आ रहे हैं नंबर तो आ रहे हैं, अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम है तो आप 5 में 5 करके आएंगे, बैकग्राउंड आपका हिंदी मीडियम है तो फिर खुदा भरोसे रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप तैयारी कर रहे हैं उसकी या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इंग्लिश की तैयारी करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, उससे बेहतर है कि आप कोई इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप अच्छा पढ़ के कर लें। एप्टीट्यूड आप हाँ पढ़ लें, थोड़ा सा एप्टीट्यूड पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ के जाएंगे इंजीनियरिंग के आप आदमी है वाकई तो 4-5 नंबर लेके आएंगे, और थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे, कुछ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ करके जाएं 10 में से 4-6 नंबर यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। यानी जो लोग जस्ट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं वो लोग इस पोर्शन को तैयार करें, पूरे पोर्शन को तैयार ना करने के चक्कर में पड़े। अगर पूरे पोर्शन को तैयार करने के चक्कर में पड़ेंगे तो इसको भी ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, डिफिकल्ट वाले को आप मॉडरेट लेवल के पढ़ के चले जाएंगे, ना यहाँ स्कोर कर पाएंगे और ना फिर आप यहाँ स्कोर कर पाएंगे। तो जो जस्ट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं वो टारगेट रखें कि मैथमेटिक्स और यहाँ से हमें 15-14 क्वेश्चन नंबर लेकर के आने हैं, क्योंकि उनका मैथमेटिक्स भी वीक होगा। आप 6 नंबर अगर यहाँ से भी ले आ रहे हैं और आप अगर 10 नंबर यहां से मैथमेटिक्स में से ले आ रहे हैं या 8 नंबर ले आ रहे हैं, मैं मान के चलता हूं 12 नंबर यहां से कोर स्कोर कर रहे हैं 30 में से, आप इस 40 या 38 को पूरी मेहनत से अगर मेहनत से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इजीली यहां से 25 से 30 नंबर तक ला सकते हैं। आप आराम से 25 नंबर तो ले ही आएंगे यहां से, और आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाएंगे तब भी इस पोर्शन से आप 2-4 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं, जब बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तब भी, क्योंकि इतना आपने इंजीनियरिंग इन सब्जेक्ट को एज ए एकेडमिक पढ़ा होगा, तो 2-4 नंबर आप फिर भी यहां से ले आएंगे। आप इजीली तो 12+25 जो बेंच मार्क है 34 का, वो आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब रही बात जिनको इम्प्रूव करना है, तो आपको नया बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको 1 सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सबसे पहले आप जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग पकड़ेंगे, फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पकड़ेंगे, सोम पकड़ेंगे एंड देन मैकेनिक्स, तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी रैंक में। उन लोगों को मैथमेटिक्स पर भी काफी फोकस करना होगा। अब मैं बात करूंगा, ये तो मैंने रहा दी, ये तो था बस कि जस्ट क्वालिफाई और इम्प्रूव गेट स्कोर, अब गेट स्कोर को और अच्छे से कैसे इम्प्रूव किया जाए, यानी प्रिपरेशन एग्जैक्टली इन्हीं सब्जेक्टों की अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो एग्जैक्टली वे ऑफ प्रिपरेशन होना क्या चाहिए, यानी स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंटों में देखा जाता है थर्ड ईयर में आए एकदम से बुक मोटी मोटी खरीदी किसी राइटर की लेके आए, पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ मालूम ही नहीं है पेपर का पैटर्न क्या है, तो उस तरीके से स्कोर नहीं हो पाता है। देखिए जब कोई आप युद्ध करने जा रहे हैं, कोई भी बैटलफील्ड, ये भी एक बैटलफील्ड है, जब आप किसी बैटलफील्ड में जा रहे हैं तो आप सामने वाले की कमजोरी चेक करिए, सामने वाले की कमजोरी चेक कर कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करिए, एकदम जाकर के अपनी सेना को वहां पर मत झोंक दीजिए, थोड़ी सी उसके बारे में स्टडी करिए। अब यहां पर ये कैसे बात फिट बैठेगी कि स्टडी इसके बारे में कैसे करें, इसके बारे में डायरेक्ट आप प्रिपरेशन करने के लिए बुक्स लाकर के नोट्स लाकर के उनको पढ़ना शुरू मत कर दीजिए। सबसे पहले जैसे मैंने ये एक खाका तैयार किया है, आप ऐसा ही खाका खुद से तैयार करिए। वो कैसे तैयार करेंगे, आपके लिए सबसे पहले तैयारी करने के लिए हम कहते हैं सबसे अच्छा जो तरीका है तैयारी करने का, कि कम से कम लास्ट 3 या 3-4 इयर्स के आप पेपर उठाइए गेट के। पेपर गेट के ऐसे मत उठाइएगा कि जिन्होंने जो है सब्जेक्ट वाइज कर रखे हैं, कोशिश करिए ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं पेपर्स, डाउनलोड करिए पूरा पेपर,
ऐसा ये गलती मत करिएगा बिल्कुल कि कुछ मार्केट में जो पेपर्स जो सब्जेक्ट वाइज ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो अवेलेबल हैं, नो वो काम नहीं देगा। यहाँ पर काम देगा, आप ऑनलाइन अवेलेबल हैं पेपर्स 3 साल के, कम से कम नहीं 4 साल के पेपर डाउनलोड करिए जिनमें रैंडमली क्वेश्चन लगे हुए हैं। उससे देखिए आपको क्या फायदा होगा, आप एक एक पेपर पकड़िए और उस पेपर्स के क्वेश्चन को आराम से पर पेपर कम से कम 1.5 घंटा दीजिए। 1.5 घंटे में हर क्वेश्चन को कायदे से पढ़िए, उसको फिर आप खुद से इस तरीके से एडजस्ट करिए कि हर साल तीन पहले एक पेपर में, पहले पेपर में साहब हर साल कितने क्वेश्चन आए हैं, यानी ये वर्क एक्सरसाइज आप खुद से करिए। क्यों मैं कह रहा हूं ये आपसे खुद से करने के लिए, कि जब अभी तो मैंने सिर्फ ये वर्बली आपसे बोल दिया, आपने सब सुन लिया, आपके जहन में नहीं स्टोर रहेगा, ये लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा, थोड़े वक्त के लिए स्टोर रहेगा। आप जब इस एक्सरसाइज के तौर पर से करेंगे तो आपके जहन में फिट हो जाएगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स से जब 3 साल के पेपर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आए कितने, ये भी खुद फिट हो जाएगा। क्वेश्चन किस टॉपिक से और किस तरीके का आया, ये भी फिट हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, मिक्सिंग कैसे क्वेश्चनों की कर रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन ऐसा लगता है देखने में जैसे हीट ट्रांसफर का है। वहां पर हम क्वेश्चन बुक में पढ़ते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता क्वेश्चन कैसा आ रहा है और हम यूं ही पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन जब हम पहले से क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे, क्वेश्चंस के बारे में हमें आइडिया होगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम पढ़ते वक्त उस टॉपिक को हमारे जहन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी कभी अपनी क्लास में स्टूडेंट से कहता हूं कि आप यहां जब आए क्लास करने के लिए तो बताइए, मेरे जो बाहर है, हमारे जो कॉलेज के बाहर है या मेरे घर के बाहर ही कोई इलेक्ट्रिक पोल कितने हैं लेफ्ट साइड में। अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो क्यों, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि ये क्वेश्चन भी हो सकता है। अब उसके बाद जब बच्चे आएंगे तो वो इस चीज को देखते हुए आएंगे कि सर इलेक्ट्रिक पोल के बारे में भी पूछ लेते हैं। यानी जब आप पेपर्स की स्टडी करेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये मटेरियल तो बहुत सारा है बुक्स में, बहुत कुछ थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन कैसा और कहां से पूछा जा रहा है वो तभी मालूम पड़ेगा जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। मैंने कितना आसान क्वेश्चन कर दिया, इलेक्ट्रिक पोल कितने हैं या कहां पर है घर के बाहर, आप चौंक जाएंगे एकदम से, लेकिन आपने जहन पे जोर नहीं दिया, फिर आप जाकर के उसे चेक करेंगे। यानी जब आप पेपर्स को सब कायदे से अपने आप जो ये छांटना सीख जाएंगे, क्योंकि अक्सर गलती है बच्चों से स्टूडेंट से ये भी होती है कि वो क्वेश्चन थर्मो फ्लूइड मैकेनिक्स का होता है, वो देखने में वो थर्मोडायनामिक्स का या हीट ट्रांसफर जैसा लग रहा होता है, वो हीट ट्रांसफर से या थर्मोडायनामिक्स से सॉल्व करना चाह रहे होते हैं, क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का सॉल्व कैसे होगा, इतने बड़े पेपर में कहीं थर्मल का क्वेश्चन होगा कहीं फ्लूइड मैकेनिक्स का, वहां कोई क्वेश्चन कह करके तो आएगा नहीं आपसे कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का हूं। कभी कभी ये भी देखा गया है क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग का है, लग आपको थर्मोडायनामिक्स का रहा है, आप थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लगे पड़े हैं सॉल्व करने में, नहीं हो रहा है। कभी कभी ये भी देखा गया है गेट बड़े गेट वाले पेपर बड़ा चालाकी के साथ बनाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन होता है सोम का, देखने में लगता है वो ऊपर से फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो इन चीजों को कब आप आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, जब पहले 3-4 पेपर्स की आप रिगरियस स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कौन से टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। आप 3-4 जब पेपर पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से मॉडरेट आ रहे हैं, किस टॉपिक से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आप उसी अंदाज में जब पढ़ाई करेंगे तो आप उसी डेप्थ तक जब टॉपिक को पढ़ रहे होंगे वहां पर क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, अरे यहां से तो क्वेश्चन आया था, मैंने देखा है, आप फिर उस टॉपिक के उतने ही डेप्थ में जाएंगे जितने डेप्थ में जाकर के आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अदरवाइज होता क्या है कि अक्सर ये भी देखा गया है गेट के पेपर में कि जो टॉपिक बहुत आसान है उनसे अक्सर इजी क्वेश्चन आते हैं और जो टॉपिक टफ है उन्हीं से टफ क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो टॉपिक आसान है वो हमें इजीली समझ में आ जाते हैं, उनमें तो हम बहुत अंदर तक चले जाते हैं, काफी डेप्थ में चले जाते हैं, और जो टॉपिक्स थोड़े टफ हैं उनको भी हम समझ में कम आते हैं, तो हम उनमें जो है बिल्कुल ऊपर एक बेसिक नॉलेज लेकर के निकल जाते हैं। अब होता क्या है कि जिसको टाइम हमने पूरा बर्बाद कर दिया जो इजी टॉपिक थे उनमें अंदर तक जाने में, जो डिफिकल्ट वाले टॉपिक थे उनके लिए टाइम भी हमने उतना ही दिया जितना मॉडरेट इजी वाले को दिया। इजी वाले का तो हम एकदम ज्ञाता हो गए और मॉडरेट वाले के हम एकदम धरातली आधारभूत थोड़ी सी नॉलेज रही,
क्वेश्चन टॉप वाले का टफ आ गया, इजी वाले से इजी आ गया। इजी वाले क्वेश्चन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी ज्यादा, इतना डेप्थ में जाकर के वहां टाइम बर्बाद किया हमने, क्यों क्वेश्चन वहां से इजी आना है। तो जब हम पेपर्स को कई कई बार स्टडी कर लेंगे तो हमें यह आइडिया आएगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके का क्वेश्चन बना रहा है, टफ आ रहा है या इजी आ रहा है। तो आप इजी टॉपिक को बहुत अंदर तक नहीं पढ़ोगे, टाइम सेव करोगे वहां पर, और जो डिफिकल्ट टॉपिक हैं, टफ टॉपिक्स हैं, उन पर टाइम थोड़ा सा ज्यादा दे करके पढ़ोगे। फिर आगे की तैयारी का तरीका ये है दोस्तों कि कभी भी ये गलती मत करिएगा कि मैं साहब पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लूं फिर उसके बाद में क्वेश्चन लगाऊंगा, या पहले पूरी थ्योरी पढ़ूं फ्लूइड मैकेनिक्स पूरी पढ़ दूं, फिर थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी पूरी थ्योरी पढ़ दूं, हीट एंड मास ट्रांसफर की पूरी थ्योरी जल्दी जल्दी थ्योरी थ्योरेटिकली पढ़ करके उसके बाद एक साथ प्रैक्टिस करूंगा। नो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर ऐसा करते हैं तो, या करेंगे तो, ऐसी गलती कभी मत करिएगा। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन आफ्टर ईच टॉपिक। जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उसी पर 4, 6, 10 क्वेश्चन करिए। जब तक आप उस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक उस टॉपिक की आपकी जो नॉलेज है, थ्योरेटिकली पढ़ने का मतलब है, बिना विदाउट प्रैक्टिस पढ़ने का मतलब है कि आपने जस्ट 30% पढ़ाई करी। कितना भी आप पढ़ लीजिए, आप फील्ड मैकेनिक्स को 3 बार पढ़ लीजिए, थ्योरी थ्योरी पढ़ लीजिए उसकी, खूब पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस मत करिए, प्रॉब्लम्स मत लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपने 30% ही तैयारी की। अगर दूसरी बार पढ़ लोगे तो बस मैं कह दूंगा 35% आपकी तैयारी हो गई होगी, तीसरी बार पढ़ोगे तो मैं कहूंगा बस 40%, 5% ही एनहांस करोगे। लेकिन आपने अगर एक बार पूरी थ्योरी पढ़ के और दूसरी बार में उसके पूरे क्वेश्चन लगा दिए, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स की मैं बात करूं, फ्लूइड मैकेनिक्स को एक बार आप पढ़ते चले जाए साथ साथ, और साथ साथ इसके करीब 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लगा दें, तो ऐसे मानिए 30% तो आपने एकेडमी की एकदम थ्योरी पढ़ी, और जैसे ही 400 क्वेश्चन जस्ट आपने लगाए आपकी तैयारी 60% हो गई। और जब दोबारा आप फिर यही हाल करेंगे उसका, तो दोबारा में आपकी तैयारी फिर 80% रेडी हो जाएगा क्वेश्चन पेपर। लेकिन अगर आपने 2 बार 3 बार विदाउट प्रैक्टिस पढ़ते रहे, आपकी तैयारी 30% पहली बार में जैसे मैंने कहा, फिर 35, 40, 45 ऐसे बढ़ेगी, वो रैपिडली तैयारी नहीं बढ़ेगी। तो ये कभी गलती मत करिएगा कि सिर्फ पढ़ते रहो प्रैक्टिस ना करो। ये बात नोट कर लीजिए कि एक्सपेंड मोर टाइम इन प्रैक्टिस देन इन थ्योरेटिकल रीडिंग। प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम अपना लगाइए, थ्योरेटिकल रीडिंग में कम टाइम स्पेंड करिएगा, ये ध्यान रखिए, ये कभी मत भूलिएगा। अब जो जो चीज मैंने बताई थी इसी अंदाज में तैयारी करिए कि ऑलवेज जो इजी टॉपिक्स हैं उन पर, उनको भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं टफ, लेकिन इन पर सब जो जो लोग सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हैं इनको थोड़ा हल्का हाथ रखिए, यानी जो इजी क्वेश्चन है उनके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इनको आप डेप्थ में पढ़ डालिए। 40 या 38 नंबर में से आप, मैं मान के चलता हूँ कि 38 ही मार्क्स का आ रहा है फॉर एग्जाम्पल एवरेजन, आप 25 मार्क्स लाना, कोई बड़ी मार्क्स नहीं है, क्योंकि अगर 40 में से मैं 25 की बात करूं तो करीब करीब ये 80% मार्क्स होते हैं। सॉरी वो मैंने गलत, कह दिया, करीब करीब ये 40 में ये जो है 60% के आसपास हैं, तो 60% स्कोर करना 40 में से अगर 25 ला रहे हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग जैसे प्रिपरेशन की वक्त की बात करते हैं, तो वक्त किसी तैयारी का कोई नहीं होता, जिस दिन आप तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं उसी दिन से उसका टाइम है। आज से आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं आज ही टाइम है, कल नहीं है। आप 10 दिन बाद शुरू करना चाहेंगे 10 दिन बाद से ही टाइम है। आप फर्स्ट ईयर में है तो आज भी टाइम है गेट की तैयारी करने का, और फाइनल ईयर में जाकर करेंगे तब भी आपके पास टाइम है। जितनी जल्दी करेंगे उतना ही ठीक है, जितना जो सेकंड ईयर में तैयारी करेगा वो फर्स्ट ईयर वाले से लेट है, जो थर्ड ईयर में करेगा वो सेकंड ईयर वाले से लेट है, तो हर कोई लेट है। तो बेटर कि जल्दी से जल्दी आप स्टार्ट करिए, मेरा आपके साथ गुड लक। देख, लास्ट में एक अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स आपके लिए ऑर्गेनाइज करने की। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, हम इसी तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे, पहले FM फिर थर्मो फिर दिस, इसी पैटर्न में पढ़ाना शुरू करेंगे। तो वो लोग हमें अपनी पूरी डिटेल्स, हमारे फोन नंबर 8410249658 पर
व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स में होगा आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका जो है कॉलेज, किस कॉलेज में हैं आप, किस कॉलेज में हैं, और ये आपका जो है उसमें होना चाहिए, नेम होना चाहिए, ईमेल आईडी, कॉलेज, और अगर आपका व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर अलग है तो कॉन्टैक्ट नंबर। हम जूम के थ्रू आप लोगों को ऑनलाइन फ्री क्लासेस देंगे, डेली कम से कम 2 आवर्स हम पढ़ाएंगे। हमारे पास एक पूरी टीम है एक्सपर्ट्स की, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ हम आपको पढ़ाएंगे ये, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप जो है हमें ये कर सकते हैं, हम जल्दी ही ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस जूम के थ्रू स्टार्ट करेंगे, जो अक्सर रात में हुआ करेंगी, क्योंकि आप लोग अपने घर पर देखेंगे लेक्चर, तो अक्सर वो जो है 8 बजे के आसपास, और वो टाइम बाद में हम बताएंगे खैर एग्जैक्ट, तो जो क्लासेस हुआ करेंगी, आप लोग हमें ये अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। थैंक यू।